नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बस्ती। बस्ती जिले में एक कलयुगी बेटे की मानवता को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है, जहां कलयुगी बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी सगी मां को मिट्टी का तेल छिका कर जिंदा जलाने व मारने की कोशिश की, जिसमें मां बुरी तरह से झुलस गई है और जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वहीं डॉक्टरों ने वृद्ध महिला की हालत नाजुक बताया है। दरअसल पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मालीपुरवा में मां और बेटे में घर की प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसमें बेटे और बहू दोनों मिलकर अपने मां को आए दिन प्रताड़ित करते थे। वहीं बेटा पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर बेचने की फिराक में हमेशा रहता है, लेकिन मां इस बात से इनकार करती रहती है। फिलहाल बेटा कोई काम नहीं करता, निथल्ला बैठा रहता है। इस बात को लेकर मां हमेशा उसे टोकती और डांटती रहती थी कि दिन भर बैठे रहते हो, कुछ काम बूट किया करो। वहीं मां ने 1.5 वर्ष पहले कर्ज लेकर बेटे शादी भी करवा दी। जब कर्ज नहीं चुकता कर पाई और कर्जदार लोग परेशान करते रहे तो कर्ज की वापसी की बात करते, लेकिन बेटे बेरोजगार की तरह घूमने पर माँ हमेशा बोलती यही बात उसे नागवार लगता, जिस बात लेकर बहू बेटे ने मिलकर जान से मारने की धमकी देते रहते। पीड़ित कई बार थाने पर शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। आज इस बात को लेकर बहू बेटे ने मिट्टी का तेल छिड़क कर माँ को आग के हवाले कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल माँ को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं एसपी हेमराज मीना ने बताया कि एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ की जा रही है। शादी करक बाद में लड़की का लेके भागा जेल गया है। शादी करक बाद में भी। अच्छा, तो क्या क्यों आखिर आपसे मारपीट करता है? अब का वजह है वह जाना है। तो दोनों लोग क्या मतलब मिलके जलाए हैं? हाँ। कौन कौन? उसकी बीवी। अच्छा, तो क्या पुलिस आप लोगों कोई कार्रवाई की अभी तक कि नहीं? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्या नाम है आपका? सहीर उन्निसा।